हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9th SST के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, 9th के अंदर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति अपना चल रहा है, जिसके अपन ने अभी तक 3 वीडियो देख लिए और आज अपन अपना 4th वीडियो इसका देखेंगे। तो अभी तक अपन ने देख लिया है कि फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में स्टार्ट हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, किस प्रकार संवैधानिक राजतंत्र बना, फिर गणतंत्र बना, वापस से राजतंत्र आया, कैसे पहले तो जेकोबिन क्लब आया, फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया और फिर नेपोलियन बोनापार्ट की भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हमने पूरी फ्रांस की कहानी देख ली। अब आपके इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें बसती है, एक तो फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की भूमिका और दूसरा बसता है दास प्रथा। तो आज अपन ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे और इसके साथ ही बच्चों आज अपना ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं क्रांति में महिलाओं की भूमिका। तो जब क्रांति होती है और अपने पूरी फ्रांस की क्रांति पढ़ी, उसके अंदर अपने बीच बीच में महिलाओं की बात करी है, लेकिन मैं आपको अलग से भी कुछ महिलाओं ने क्या क्या योगदान दिया और महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रारंभ से ही महिलाओं की भागीदारी रही है, यानी जब से क्रांति प्रारंभ हुई थी तो महिलाओं का योगदान किसी और किसी रूप में रहा ही है। महिलाओं ने भी अपने अधिकारों के लिए उस क्रांति के अंदर बराबर प्रयास किए हैं। तो प्रारंभ से ही महिलाओं की भागीदारी है। और जो तृतीय स्टेट की महिलाएं थी वो क्या करती थी, तृतीय स्टेट के अंदर कौन थे याद है आपको? तृतीय स्टेट को भी अपने 3 भागों में बांटा था। सबसे उच्च के अंदर धनी लोग थे, फिर और थोड़े गरीब, और सबसे गरीब जिसके अंदर बिल्कुल भूमिहीन मजदूर आते थे। तो जो तृतीय स्टेट की जो महिलाएं थी वो अपना घर का कार्य करती थी, बच्चों को संभालती थी, साथ साथ में सिलाई बुनाई कढ़ाई आदि कार्य करती थी, बागानों में कार्य करती थी और फल सब्जियां फूल वगैरह बेचने का कार्य भी करती थी। जब पुरुष युद्ध में गए थे, जब अपने देखा था ना 1791-92 के अंदर, जब सभी पुरुष कहाँ गए थे, युद्ध के अंदर गए थे, फ्रांस के जो पड़ोसी देशों ऑस्ट्रिया रूसों के साथ जो युद्ध हो रहा था, उस वक्त क्या इन महिलाओं ने क्या किया था, महिलाओं ने घर तो संभाला ही था, बच्चे तो संभाले ही थे, साथ में बाहरी कार्य भी इन्होंने ही किए थे। और उन्होंने ऐसे समय के अंदर क्लब का गठन किया, महिलाओं ने आपस में सभी महिलाओं ने काय का निर्माण किया, एक समिति जिसको अपन क्लब का नाम दिया गया था, उस क्लब का गठन किया। और बच्चों ऐसा लिखा गया है कि लगभग 60-60 क्लबों का उन्होंने गठन किया। और उन जो 60 क्लब थे उसमें एक महत्वपूर्ण क्लब था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन। उस क्लब का जो बच्चों आपको नाम याद रखना है, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। इस क्लब का गठन भी हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण क्लबों में से एक था। और इन क्लब में महिलाएं क्या करती थी, दिन के किसी भी समय के अंदर वहां पर एकत्रित होती थी और आपस के अंदर विचार विमर्श करती थी। और विचार भी किन बातों पे होता था, राजनीतिक बातों पे, राजनीतिक चर्चा होती थी, क्योंकि उनको भी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना था, क्योंकि उनको पुरुषों के बराबर बराबरी नहीं मिली थी। तो ऐसे के अंदर उन्होंने अपने अधिकार भी, उनको आवश्यकता थी, वो भी पढ़ना लिखना चाहती थी, वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी। जिस प्रकार पुरुष स्वतंत्र थे, पुरुष को मत देने का अधिकार था, पुरुष कोई भी व्यवसाय कर सकते थे, पुरुष अपनी इच्छा से विवाह कर सकते थे, पुरुष अपनी इच्छा से तलाक दे सकते थे, तो ये महिलाएं भी इन सभी अधिकारों को चाहती थी। तो उन्होंने ऐसे क्लबों का गठन किया जिसमें एक और लगभग अपन ने बात करी है कि 60 के आसपास क्लब बने थे, जिसे महत्वपूर्ण क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। और इन क्लबों के अंदर महिलाएं एकत्रित होती और राजनीतिक विषयों के ऊपर चर्चा करती थी। और आपकी बुक में एक चित्र दे रखा है जो कि 5 अक्टूबर 1789 का है। वो चित्र कौन से का, 5 अक्टूबर 1789 का, कि एक महिला घोड़े पर जा रही है और कुछ महिलाएं हथियार लेकर के उसके पीछे आ रही है, एक पंक्ति बनाती हुई। तो बच्चों ये जो इमेज आपकी बुक में दे रखी है वो क्या दर्शाती है, क्योंकि ये इमेज कब का है, 5 अक्टूबर 1789 का। तो 1789 के अंदर भी महिलाओं ने क्या किया था, अपना इस क्रांति के अंदर भागीदारी उनकी आ गई थी, महिलाएं भी युद्ध के अंदर अर्थात गई थी। और वो महिलाएं कैसा युद्ध था, वो गृह युद्ध था, उसके अंदर एक महिला घोड़े पर बैठी आगे और कुछ महिलाओं के हाथ में हथियार है और वो उनका पीछा कर रही है। तो ऐसा बताया गया है कि वो जो महिलाएं थी वो कहाँ जा रही थी, वर्साय के महल की तरफ जा रही थी, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर के वर्साय के महल तक जा रही थी। और क्यों जा रही थी, क्योंकि खाद्यान्नों के दाम बहुत महंगे हो गए थे, बच्चों वो अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रही थी। तो इन खाद्यान्नों के महंगे दाम के विरोध में, विरोध प्रदर्शन के लिए ये महिलाएं कहाँ जा रही थी, ये महिलाएं
वर्सराय के महल की तरफ जा रही थी। तो अब अपने ये आ गया। इसके बाद 1791 में पुरुषों के समान मताधिकार और नेशनल असेंबली में स्थान के लिए भी उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने क्रांति करी काय के लिए, एक तो पुरुषों के समान मताधिकार, क्योंकि अपन को पता है ना कि 1791 के अंदर तो क्या हुआ था, केवल पुरुषों को मत देने का अधिकार था। नेशनल असेंबली की जो निर्वाचक मंडली थी उसको चुनने का अधिकार केवल किसको था बच्चों, पुरुषों का। और पुरुषों में भी आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है कि जो 25 वर्ष से अधिक हों और जो अपने 3 दिन की मजदूरी को कर के रूप में दे सकते हैं। और बाद में जैकोबिन के आने के बाद भी क्या हुआ था कि उसने जो आयु 25 से घटाकर 21 कर दी थी और अमीरी गरीबी के भेदभाव को भी मिटा दिया था, लेकिन तब भी महिलाओं को मत देने का अधिकार उस वक्त नहीं मिला था। तो 1791 के अंदर पुरुषों के समान मताधिकार और नेशनल असेंबली के अंदर उन्हें भी स्थान मिले, उनके विचारों का आधार हो और बड़े बड़े पदों के ऊपर उनको भी सुशोभित किया जाए, इसके लिए उन्होंने क्रांति करी और विद्रोह किया। इसके बाद उन्होंने के अब जब ये सब कुछ चल ही रहा था, उसी समय के अंदर जब जैकोबिन है ना, जैकोबिन के अंदर कौन थे, रोबेस्पियर। रोबेस्पियर ने कुछ अच्छे भी कार्य किए थे महिलाओं के लिए, जैसे विवाह है तो बाध्य नहीं, यानी स्वैच्छिक अनुबंध की जो कानून बनाया था जिसमें महिलाओं को विवाह के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, उनकी मर्जी होगी तो भी वह विवाह करेगी, ऐसा कानून जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे रोबेस्पियर उसने उस वक्त पारित किया था। साथ में तलाक को कानूनी रूप, क्योंकि पहले तो ऐसा था महिलाओं को बहुत शोषण होता था बच्चों और केवल पुरुष ही महिलाओं को तलाक दे सकता था, लेकिन जैकोबिन क्लब के जो रोबेस्पियर थे जो वो शासन में आए, हालांकि उनका शासन कैसा था, आतंकी शासन था, लेकिन के बावजूद उन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे, जिसमें एक अच्छा कार्य था कि महिलाओं को विवाह तो बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा कानून बना था। दूसरा, तलाक को कानूनी रूप दिया था। और तीसरा बात वो था कि व्यावसायिक ट्रेनिंग की छूट, महिलाओं को किसी भी तरह का व्यवसाय प्रशिक्षण ले सकती है उसकी छूट दी थी, क्योंकि पहले महिलाओं को किसी भी प्रकार का वो व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं ले सकती थी, लेकिन रोबेस्पियर ने इस तरह की महिलाओं को छूट दी जिससे वो कई तरह का प्रशिक्षण लेती थी, जिससे वो कई सारे कारीगरी सीखी है ना, उन्होंने भी अपना व्यवसाय आदि किया। तो जहाँ पर महिलाओं का शोषण भी हो रहा था तो महिलाएँ भी उठ करके आई, उन्होंने भी विद्रोह किया और अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखा और अपने मत देने के अधिकार के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई प्रारंभ करी। ऐसे में उनको मताधिकार का अधिकार तो बच्चों नहीं मिला, लेकिन कुछ सुधार जरूर हुए, जैसे विवाह है तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसके बाद तलाक के अंदर तलाक को कानूनी रूप और व्यावसायिक ट्रेनिंग की छूट, ये कुछ अच्छे काम जैकोबिन क्लब के द्वारा किए गए थे। ऐसे में ही अपन को ये तो पता ही था कि जैकोबिन का जो रोबेस्पियर का जो 1793 से 1794 का जो समय कैसा, कलंक युग या आतंकी शासन का युग कहा जाता है। तो ऐसे में उन्होंने क्या करा कि महिलाएं कानून के ऊपर वापस से रोक लग गई, 1793 के अंदर वापस क्या हो गया, महिला कानून के ऊपर सारी रोक लग गई, तो महिलाएं के अंदर और विद्रोह भड़क गया, और ज्यादा विद्रोही हो गई और उन्होंने उसके लिए कई सारे क्रांतियां करी। तो जो महिलाएं, जो जानी मानी महिलाएं इस क्रांति के अंदर सक्रिय रूप से आगे आ रही थी उनको बच्चों फांसी दे दी गई। और जब किसी महिला को फांसी देने प्रारंभ हुई तो अन्य महिलाओं ने विद्रोह और अधिक भड़का दिया और इस प्रकार एक युद्ध जैसी, जिसको अपन गृह युद्ध कह सकते, ऐसी एक स्थिति वहाँ फ्रांस के अंदर आ गई थी। तो जब ये सब कुछ चल रहा था, विद्रोह जब और अधिक भड़क रहा था, उसमें एक महिला थी जानी मानी, इसका नाम है ओलंप दे गुंज, नाम याद कर लेना बच्चों, ओलंप दे गुंज। वो एक फ्रांसीसी लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो इसने अपने लेखों के अंदर महिलाओं को और अधिक जागरूक किया और महिला अधिकार के लिए उसने एक प्रावधान रखा, एक प्रस्ताव पारित भी कर दिया जिसमें महिला एवं नागरिक अधिकार का उसका नाम था, जिसे महिलाओं को भी पुरुष के समान मताधिकार का अधिकार हो। उसने बताया कि महिला तो पुरुष के समान जन्म से स्वतंत्र पैदा हुई है, तो फिर उनके साथ भेदभाव क्यों, क्योंकि महिला महिला बाद में, पहले तो वो एक मनुष्य है, तो उन्हें भी पुरुष के समान हर क्षेत्र में समान अधिकार मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और क्योंकि ये बात होती है कि जो पुरुष और महिला, तो जो राजनीतिक संगठन होते हैं उनका ये कार्य होना चाहिए कि वह महिला पुरुष की समानता का, स्वतंत्रता का ध्यान रखें और साथ में महिलाओं के साथ अत्याचार न हो, उनके अधिकारों का हनन न हो, उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इस तरह के कुछ प्रावधान किसने दिए थे, ये ओलंप दे गुंज। लेकिन ओलंप दे गुंज को भी बच्चों फांसी की सजा दे गई, क्योंकि उसने क्या करा था,
कि कुछ ऐसी बातें करी थी जिससे महिलाएं और अधिक जागरूक हुए, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो। तो वो एक लेखिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी, उसने बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन देशद्रोह के अपराध में 1793 में उन्हें भी फांसी दे दी गई। और उन्होंने जो महिला अधिकार घोषणा पत्र पारित किया था उसकी कुछ बातें थी कि महिलाएं जन्म से स्वतंत्र है, उन्हें पुरुषों के समान समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और जो राजनीतिक संगठन का जो प्रमुख लक्ष्य है कि पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दें और पुरुष और महिला के अधिकारों की सुरक्षा भी करें। ये उनके कुछ मानव अधिकार का जो घोषणा पत्र पारित किया था उसकी कुछ बातें थी। और एक अच्छी बात उन्होंने ये लिखी थी कि यदि महिलाएं अपराधी होती है तो उन्हें भी पुरुषों के समान दंड दिया जाना चाहिए। उन्होंने जब अधिकार की बात करी पुरुषों के समान, कि महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार का अधिकार और नेशनल असेंबली में उनके समान स्थान पद आदि मिलने चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने एक अच्छी बात यह भी कही कि यदि महिलाएं भी कुछ गलत कार्य करती है, देश के विरोध में कोई कार्य करती है, तो उन्हें भी पुरुषों के समान दंड का अधिकार होना चाहिए। अब ये तो सारा हो गया महिलाओं ने क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति में क्या भूमिका निभाई। तो इस प्रकार उन्होंने मताधिकार के लिए जो मांग करी थी, तो बच्चों यहाँ पर याद रखने की बात ये है कि जो कार्य 1789 में प्रारंभ हुआ था वो 1946 में जाकर के उनको मताधिकार मिला, लगभग 150-200 साल के बाद जाकर के उनकी बात मनी और उनको मताधिकार का अधिकार मिला। तो जो क्रांति चालू हुई थी लगभग पाँच अक्टूबर तो नहीं कह सकते, बाकी 1789 से महिलाओं ने विद्रोह चालू कर दिया था, अपने अधिकारों के लिए सजग हो गई थी और क्रांति चल रही थी, लेकिन फाइनली 1946 के अंदर जा करके महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये तो हो गया बच्चों क्रांति में महिलाओं की भूमिका। अब एक और चीज जो टॉपिक बचता है अपनी बुक का, वो है दास प्रथा का उन्मूलन। तो बच्चों दास क्या होता है? दास मतलब स्लेव्स, गुलाम, है ना। अगर जो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बंधक बनाकर उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कोई यदि कार्य करवाता है तो ये कहलाता है दास प्रथा। तो फ्रांस में क्या था, जो बड़े बड़े अमीर देश थे उन्होंने क्या करा, अपने यहाँ पर मजदूरी करवाने के लिए जो छोटे छोटे देश थे वहाँ से लोगों को, गरीब जनता को पकड़ के जबरदस्ती बंधक बनाकर ले आते थे, उनकी बॉडी के ऊपर दाग लगाया जाता था, एक मार्का लग जाता था, प्लस उनको हथकड़ियों में जकड़ करके रखा जाता था ताकि वो यहाँ पर आकर के मजदूरी का कार्य करे जो वहाँ के लोग नहीं कर रहे थे। तो ये था बच्चों फ्रांस के अंदर दास प्रथा। तो बड़े बड़े देश अपने यहाँ मजदूरी कार्य के लिए छोटे छोटे देशों से गरीब जनता को दास बनाकर लाते थे, और इनके दास की बॉडी के ऊपर मार्का लगा दिया जाता था और उनको दाग कर और उनको हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी। अब जो दास प्रथा थी वो कैसे थी, तो उस वक्त एक इन्होंने ट्रायंगल बना रखा था। अब यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तीनों देशों ने एक त्रिभुजाकार एक व्यवस्था बना रखी थी, जिसमें क्या वो करते थे कि जो कैरेबियाई उपनिवेश थे, कैरेबियाई बच्चों एक अंद महासागर के मध्य देशों का एक समूह है कैरेबियाई, जहाँ पर नील, तंबाकू, चीनी और कॉफी उसकी बहुत अच्छी खेती होती है और वो उसकी बहुत अच्छी आपूर्ति करता है, जिसमें कुछ बागानों के नाम है मार्टिनिक, गोडेलो और सेंट डोमिंगो। तो ये क्या है, चाय, कॉफी, चीनी, नील और तंबाकू के मुख्य आपूर्ति करता थे। लेकिन बच्चों इन शहरों, इन देशों, इन बागानों के अंदर कोई भी यूरोप का लोग कार्य काम करने के लिए रेडी नहीं था। अब वो यहाँ पर ऐसे दूर दराज के एरिया में काम किससे करवाएं, इन बागानों के अंदर मजदूरी किससे कराएं। तो जो फ्रांसीसी जो सरकारें थी वो क्या करती थी, बारदे और नांते, इन दोनों का नाम याद रखना, बारदे और नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज लेकर के जाते थे और वहां से दासों को पकड़ पकड़ के लाते थे। कहाँ से जाते थे, फ्रांस से। कौन से बंदरगाह, इसके अंदर जो दो बंदरगाहों के नाम दे रखे हैं बारदे और नांते, इन दोनों बंदरगाह से जहाज में बैठ करके वहां जाते थे और अफ्रीका के तट से दासों को पकड़ पकड़ के खरीद खरीद करके लाते थे। और इन बागानों के अंदर नील, चीनी, तंबाकू और कॉफी इसकी खेती इनके द्वारा करवाई जाती थी, जिससे ये बंदरगाह बहुत अधिक पनप गए और यूरोप के अंदर ये व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया और यूरोप संपन्न हो गया, किसकी बदौलत, अफ्रीका से लाए गए दासों की वजह से। तो नेशनल असेंबली के अंदर भी इसके लिए कोई कानून नहीं बना, किसके, दास प्रथा के खिलाफ। क्यों नहीं बना, क्योंकि नेशनल असेंबली के सदस्य कौन थे, बड़े बड़े व्यापारी थे और बड़े बड़े व्यापारी को तो इन दासों की जरूरत थी,
तो बड़े बड़े व्यापारी के डर से नेशनल असेंबली में कभी ऐसा कानून नहीं बना कि इन दासों के इन दास प्रथा को बंद किया जा सके, क्योंकि यदि दास प्रथा बंद हो जाती तो इन व्यापारी का व्यापार भी ठप हो जाता। तो पहले तो नेशनल असेंबली में तो इसके खिलाफ कोई कानून नहीं बना, लेकिन बाद में 1794 में नेशनल कन्वेंशन के अंदर कानून बना, लेकिन बच्चों वो भी अल्प अवधि के लिए ही वो कानून बना। क्यों? क्योंकि फिर कौन आ गया? नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। और नेपोलियन बोनापार्ट तो क्या था, वो भी एक निरंकुशी था, और वो तो क्या चाहता था, साम्राज्यवादी था, वो तो वैसे ही अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। तो उसने तो और दास प्रथा का समर्थन किया, और उसने क्या करा कि जो अफ्रीका निग्रो को गुलाम बनाने की स्वीकृति दे दी। अफ्रीका निग्रो कौन थे बच्चों? तो जो सहारा रेगिस्तान है उसके साउथ के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हीं को अफ्रीकी निग्रो कहते हैं। ये गरीब जनता थी, तो इसका फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने और इन अफ्रीकी निग्रो को दास बनाने गुलाम बनाने की स्वीकृति दे दी, जिससे दास प्रथा तो वापस और जोर पकड़ लिया और यूरोप के देश बहुत अमीर हो गए। क्योंकि ये जितने भी दास थे वो क्या करते थे, चीनी के बागान, चीन शक्कर के बागान के अंदर, उसके बाद कॉफ़ी है, शक्कर के बागान मतलब शक्कर की खेती यानी गन्ने की खेती के अंदर, फिर कॉफ़ी के बागानों के अंदर और तंबाकू और नील की खेती के अंदर मजदूरी का कार्य करते थे। और इस प्रकार यूरोप के दोनों बंदरगाह भी कौन कौन से, बोर्दे और नांते का बंदरगाह भी बहुत फलफुल गए थे। इस प्रकार तो नेपोलियन के टाइम के अंदर तो ये दास प्रथा ने काफ़ी जोर पकड़ा, लेकिन फाइनली 1848 के अंदर इस दास प्रथा का भी उन्मूलन हो गया। तो बच्चों अपन अपना आज का जो था कि क्रांति में महिलाओं की भूमिका अपन ने देख ली, और दास प्रथा का उन्मूलन या दास प्रथा किस तरह से यूरोप में थी उसके बारे में पढ़ लिया। तो बच्चों इस प्रकार चार वीडियो के अंदर अपना फ्रांसीसी क्रांति कंप्लीट हो गया है। अब आपका ये काम है कि चारों वीडियो को एक से अधिक बार देख लीजिए, इनके जो बोर्ड के ऊपर जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स रेडी रखिए, और जब आपको अच्छे से लेसन में समझ में आ जाए तो आपकी नोटबुक के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, ताकि अपना ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार अपने 9th SST के अंदर कुल 6 चैप्टर हो गए। सबसे पहले 2 पॉलिटिकल साइंस के पढ़ लिए, 2 ज्योग्राफी के पढ़ लिए, और 2 अपन ने पढ़ लिए हिस्ट्री के। अब अगली वीडियो के अंदर अगले लेसन के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।